डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। केमिस्ट्री को पढ़ना, जैसा कि जानते हैं आप, 12th क्लास में जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन, तो कुल मिलाकर दैनिक जीवन में जो रसायन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पिछले क्लास में दो टॉपिक्स को किया था, उपशामक और एंटी फर्टिलिटी दवा। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, ठीक है। अब ये एंटी हिस्टामिन क्या है, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। ये एंटी हिस्टामिन किस काम के लिए आता है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, वे दवाएं जो हमारे शरीर में एलर्जी अभिक्रिया के उपचार में किया जाता है, एलर्जी अभिक्रियाओं के उपचार में किया जाता है, उसे एंटी हिस्टामिन कहा जाता है। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए तो एलर्जी का मतलब क्या हुआ, एलर्जी में क्या क्या आते हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एलर्जी उसको कहते हैं, जैसे मान लिया कि आप कोई दवा खाएं, ठीक है, और कोई भी दवा खाएं और उससे क्या हुआ आपको और कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने लगा। जैसे मान लिया कि कुछ ऐसा दवा खाएं, ठीक है, और उसके वजह से और कुछ और दिक्कतें अगर सामने आ गई तब उसको हम लोग कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। यानी कि जब दवा खाएं तब तो आपको ठीक आराम मिल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद एक नया आपके पास प्रॉब्लम खड़ा होगा, एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी जिसको कहते हैं उस दवा का खाने से साइड इफ़ेक्ट हुआ, या फिर हम उसको बोलेंगे एलर्जी हो गया। कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बच्चा दवा खाता है और उस ठीक तो हो गया लेकिन फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ होने लगती है, यानी कि कई तरह के, या फिर बुखार ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी इंजेक्शन है, ऐसी दवाएं हैं जिसको आप दिया जाता है तो घाव हो जाता है उस स्थान पर, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग एलर्जी कहेंगे। और इस एलर्जी वाले केस में जो प्रयुक्त तो होने वाली दवाइयाँ हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिन। यानी याद रखिएगा एंटी हिस्टामिन क्या है, तो एंटी हिस्टामिन वैसी दवाओं को कहा जाता है जो एलर्जी हो गया है और उसको ठीक करता है। एलर्जी को ठीक करने वाली दवा को हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिन। चलिए उसके बाद लिखा जाए नेक्स्ट एरो, खांसी कौमा छींक के साथ नाक बहना, खांसी कौमा छींक के साथ नाक बहना भी एलर्जी के अंतर्गत आते हैं। देखिए एलर्जी का पहचान साफ साफ लिखवा दिया गया कि एलर्जी कब बोलेंगे, जब आपको काफ़ी खांसी है या फिर छींक आ रहा है और ज़ोरदार सर्दी है, ठीक है, नाक से पूरा पानी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एलर्जी का रूप है, ये भी एलर्जी की वजह से हुआ है, और इसको ठीक करने वाली जो भी दवा आप खाएंगे उस दवा का नाम हो जाएगा एंटी हिस्टामिन। क्योंकि एंटी हिस्टामिन का काम ही है कि जो एलर्जी को रोके या एलर्जी से उत्पन्न कोई रोग रहे उसको उपचार किया जाए, तब एंटी हिस्टामिन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, एलर्जी मुख्य रूप से मुख्य रूप से लेवोसिट्रिजिन नाम है, ये लेवोसिट्रिजिन
लेवोसिट्रिजिन का सिरप लिया जाता है, का सिरप लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब मान लिया जाए कि किसी को एलर्जी हो गया, तो एलर्जी में कौन सी दवा यूज करेंगे आप? तो इसमें लेवोसेट्रिजिन का दवा का उपयोग करके हम लोग एलर्जी को मुख्य रूप से कम कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लेवोसेट्रिजिन का है, तो यह एक एलर्जी में दिया जाने वाला एक दवा है जो एलर्जी को उपचार करने में मददगार साबित होता है। तो ये था हम लोगों का एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, चलिए आगे हम लोग टॉपिक बनाते हैं, परिरक्षक के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक बनाएंगे परिरक्षक, इसका डेफिनेशन हुआ प्री रिजर्वेशन। ठीक है, अब परिरक्षक किसको कहते हैं? इसी को इंग्लिश में प्री रिजर्वेशन कहते हैं। अब प्री रिजर्वेशन क्या हुआ? प्री रिजर्वेशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट एरो देकर ना लिखा जाए, परिरक्षक में पहला पॉइंट्स, वे रासायनिक पदार्थ जो 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 भोजन जो भोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा होता हो उसे रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह परिरक्षक कहलाता है। ध्यान दीजिए, परिरक्षक का मतलब होता है बचाना। अब किससे बचाना? तो कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव है, जैसे मान लिया कि आप ब्रेड बनाए हैं घर पे और ब्रेड को ना 2 दिन छोड़ दीजिए, क्या होगा? तो ब्रेड में कवक लगने लगेगा। ठीक है, यानी कि वो भोजन खराब हो जाएगा। सिवाय उससे बचाने के लिए एक उपाय निकाला गया जिसको हम लोग परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक का मतलब होता है किसी भी वस्तु जो सॉरी कोई भी रसायन जो कम करता है किसको, तो सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, तब हम उसको परिरक्षक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए, एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, पहला में सोडियम बेंजोएट, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा प्रोपिल गैलेट। तो याद रखिएगा दोस्तों कि परिरक्षक में कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करके आप खाने वाले पदार्थ को आप कुछ दिन तक इसको अच्छे से सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। तो पहला है सोडियम बेंजोएट डालकर, दूसरा है सिट्रिक अम्ल डालकर, और तीसरा है प्रोपिल गैलेट को डालकर। ठीक है, अब कुल मिलाकर हम लोग ये समझेंगे कि परिरक्षक के भी प्रकार हैं, और कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो लिखा जाए अब नेक्स्ट टॉपिक, परिरक्षक के प्रकार। उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए परिरक्षक के दो प्रकार हैं। नंबर वन जीवाणु से
विरुद्ध परीक्षण, जीवाणु से विरुद्ध जीवाणु से विरुद्ध परिरक्षण, विरुद्ध हिंदी में लिखिए विरुद्ध परिरक्षण, ठीक है। तो याद रखिएगा परिरक्षक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला में कितने तरीके का हम आपको दे दिए, तो पहला में हम आपको दे दिए या लिखवा दिए कि जीवाणु से विरुद्ध परिरक्षक, और दूसरा में लिखा जाए ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक, ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक। तो कुल मिलाकर हम लोग आज परिरक्षक और एंटी हिस्टामिन के बारे में पढ़े हैं, और कल हम लोग ये जो परिरक्षक पढ़ाए ना सर, इसको दो प्रकार में बांटे गया है, तो इस दोनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।